इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20 आई है नेपियर, और अभी तक कैसा लगा है? जैसे इस पूरी सीरीज में हमने सिर्फ स्काई की बात की है, पहले मैच में स्काई क्लियर है या नहीं, बारिश होगी या नहीं, और फिर जब स्काई स्टेडियम में बारिश हुई तो रुकी नहीं, फिर बेओवल में जब स्काई के बैट से बारिश हुई तो वो भी नहीं रुकी। इस मैच में बारिश होगी या नहीं, ऊपर से तो नहीं होगी, मस्त ब्राइट सनी डे है, लेकिन स्काई के बैट से होगी या नहीं, पूरे चांसेस है। आपको कैप्टन बनाना है फिर से या नहीं, यही बात करेंगे हम वापस से। हेलो वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउच पावर्ड बाय फिर पिकअप ग्रेटर ऑड ग्रेटर विनिंग्स। रिप्ले का लिंक है पिंड कमेंट में, जो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे स्काउट्स का टेलीग्राम चैनल, ओरिजिनल चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और हमारे कोई भी स्काउट्स या यू स्पोर्ट किसी भी कंटेंट या टीम के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है, तो जितने भी फेक चैनल्स हैं उनसे दूर रहिए, और ओरिजिनल चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। और एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे फेवरेट स्काउट मिस्टर स्काई चोपड़ा, आई मीन आकाश चोपड़ा। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार सर, हर बार मैं स्टार्ट करता हूँ सर, क्या क्लीन स्वीप हुआ है सर, इस बार भी मैं स्टार्ट करूंगा सर, क्या हमारे ओपोनेंट्स के लिए क्या क्लीन स्वीप किया हमने? एक्चुअली छाप दिया यार, छाप दिया एकदम। मैं तो कह रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ये पिच रिपोर्ट बैन कराओ, क्योंकि केन विलियमसन ने कहा था कि इस ग्राउंड पे कोई चेज करते हुए नहीं जीतता है, उसके बावजूद हम बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत घास और बहुत हरियाली और बिल्कुल अंडर कवर्स है। मैंने कहा आज तो 3 आउट हो जाएंगे 20 रन पे, तो फिर हम आउट हो गए। बिल्कुल सर, मैंने भी वो जैसे विकेट पे घास देखी, और एक्चुअल में न्यूजीलैंड में बहुत बार हो चुका है, मैंने बहुत सारे न्यूजीलैंड मैचेस खेले हैं जहाँ पे बहुत घास दिखती है और बाद में आपको ऐसा लगता है कि शायद 70-80 पे ऑल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद 400-500 रन बन जाते हैं। बांग्लादेश का एक मैच याद है मुझे, जो बांग्लादेश का माउंट हुआ था, बेंगलुरु। बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन सरफेस थी और वहां पे 400-500 रन बन रहे थे उसके बाद, तो बहुत धोखा है ये घास। और आपके साथ भी धोखा हुआ होगा अगर दीपक हुड्डा आपकी टीम में नहीं होंगे, डेथ बॉलर आ गए थे, 4 विकेट ले गए, और न्यूजीलैंड का भी ये कहना था दीपक हुडा सर, तो क्या हाँ, आपकी फैंटेसी टीम भी ले गए साथ में? मेरी साथ में ले गए एक्चुअली। मतलब हाफ अ थॉट, क्योंकि बैटर चुन नहीं पा रहे थे, तो एक हाफ अ थॉट थी कि दीपक हुडा को ला सकते हैं टीम में एज अ बैटर, नॉट एज अ बोलर। पर फिर पता नहीं था बैटिंग का करेगा करेगा नहीं करेगा, क्या मालूम है, छोड़ो। क्योंकि सिर्फ इसलिए सोचा था उसके बारे में क्योंकि केन ने कहा था बॉल स्विंग करेगी, शुरू में 20 पे 3 हो जाएगा भारत, तो हो सकता है दीपक हुडा की बैटिंग आ जाए, पर पता नहीं कहाँ करेगा, कुछ आइडिया नहीं था। बॉलिंग तो नहीं करेगा ऐसा पक्का सोचा था, पर तो मेरी टीम में नहीं थे और इसलिए मैं भी उस मैच में नहीं था। खत्म उस मैच में मैंने शुरुआत में गया था, मैंने कहा खत्म हो गया मेरा मैच, टाटा भाई खत्म। डाटा, बाय बाय। और बॉलिंग करने की जिनकी हमने सोची थी करेंगे हार्दिक पांड्या, वो करे नहीं। हालांकि कमेंटेटर्स ने कहा था कि नेक में थोड़ा स्टिफनेस है, और उन्होंने पोस्ट मैच में कहा था कि वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, सिक्स बॉलर ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे उनके पास में वो पार्ट टाइम ऑप्शन मिल जाए। दीपक हुडा का वो पंट था वो चल गया, इस मैच में भी हो सकता है वो किसी और से भी बॉलिंग करवा लें, तो आपके लिए फैंटेसी टिप यही है, जो छठा बॉलर है उसको रख लो, क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि शायद वो बॉलिंग करवा सकते हैं, और वो खुद बॉलिंग करेंगे या नहीं उनको भी नहीं पता, या फिर उन्हीं को पता है हमें तो नहीं पता। अगर सर तो क्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब कैप्टन है और उन्होंने बोला भी है वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बॉलिंग में, शायद हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर्स ना करें, तो क्या आपके वो कैप्टन दिखेंगे वापस? अब तो नहीं दिखेंगे भाई, हो गया, मैं तो दूध का जला हुआ हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी अब तो फूक फूक के पीऊंगा एकदम। तो नहीं, वो मेरी टीम में दिखेंगे, शायद दिखेंगे तो सही क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं, आई डोंट नो। पर कप्तान वाइस कप्तान अब ना बना पाऊंगा मैं, अब ना हो पाएगा। वैसे भी नेपियर का ग्राउंड भी ना कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर एक टीम बोल्ड आउट होने वाली है, तो उस तरीके का ग्राउंड ही नहीं है ये एक्चुअली। अगर आप इस ग्राउंड की डायमेंशंस को देखें, इसकी अमूमन पिच को देखें, लगता नहीं है कि टीम्स अगर टू गेट बोल्ड आउट, तो सडनली बोलिंग हैवी टीम नहीं, बैटिंग हैवी टीम जो है वो शायद मैं बनाने वाला हूँ। तो हार्दिक पांड्या एज अ बैटर जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, आई मीन कप्तानी वाइज कप्तानी का विकल्प तो नहीं बनते। बिल्कुल, आपने कंडीशंस की बात की, और अगर हम देखें राइट फ्रॉम 2020 जैन 2020 से जो मैचेस हुए हैं, एवरेज स्कोर 178 रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को अभी तक एडवांटेज को देखने को मिला है, जो कि लास्ट मैच में भी था, लेकिन ऑफकोर्स कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वो घास थी और विकेट पे घास थी, केन विलियमसन ने टॉस जीत के बॉलिंग चूज की थी, और इस मैच में तो केन विलियमसन दिखेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैच मिस होने वाला है उनका, और टिम साउथी है इस मैच में कैप्टन। सर
अभी आपने बिफोर रिकॉर्डिंग बोला था इंडिया के अंदर सोच भी नहीं सकते हम ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि मतलब क्या आप ये सोच सकते हैं कि विराट कोहली का यहाँ पास में हमारे एक दूजा हॉस्पिटल है उसमें या लीलावती हॉस्पिटल के अंदर एक अपॉइंटमेंट था इसलिए इंडिया का मैच नहीं खेल रहा था। क्या ये ऐसा हो सकता है? वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं हो सकता। वो डॉक्टर कहते हैं सर हम घर आके कर देंगे, टेंशन ना लो आप, और जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे कई दिनों से। अरे बाबा, ऐसा तो डेवलप्ड कंट्री से तो हमारी डेवलपिंग कंट्री बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ सारी चीजें आराम से हो जाती हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, काम हो जाता है, क्रिकेट मैच नहीं मिस करना पड़ता क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो पर ठीक है भैया, डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड। खैर हमारे को क्या, हमारे पास एक स्पॉट बची है, अब हमें देखना है कि उनकी जगह किसको लेना है। तो ग्लेन फिलहाल फिलिप्स को ले लो। नहीं, मैं आने वाला था टीम को, मुझे पता था ग्लेन फिलिप्स लेने वाला है। बहुत इजी कर दिया आपने। तो फिलहाल सर इस मैच में, अब लास्ट मैच में जो हम गए थे 7-4 कॉम्बिनेशन, हमने सोचा था कि न्यूजीलैंड के फेवर में हम जा सकते हैं या फिर 6-5। सर लास्ट मैच में वो एक्चुअल में लगा कि बहुत ही खराब था डिसीजन, बट देखा जाए तो इंडिया से सिर्फ सूर्य कुमार यादव ने ही परफॉर्म किया, और उनके अलावा अगर आप हटा दें तो बहुत ज्यादा अभी भी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस स्पेशली विद द बैट तो बिल्कुल नहीं दिखी है। क्या आप सेटिस्फाइड थे जो बैटिंग ऑर्डर था उससे और जो सिलेक्शंस थे? भुवनेश्वर कुमार, शदीप सिंह दोनों खेले और उमरान मलिक, हर्षल पटेल फिर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या आप पूरी 11 से सहमत थे? जो मुझे नहीं लगा आप थे। मैं हमारी सहमति से कुछ होता नहीं है पीयूष, क्योंकि ना ये टीम ने कुछ मन बनाया हुआ है, सेलेक्टर्स ने कुछ मन बनाया हुआ है। अब अगर आपने भूवी को पिक कर लिया तो कर लिया तो कर लिया यार, अब कर लिया तो भूवी तो खेलेंगे, अर्शदीप सिंह को भी आप खिला ही रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 6 हफ्ते में 6 ही मैच खेला है भारत। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पूरा आधी आईपीएल खत्म हो गई हो, तो अगर आप 6 ही सिर्फ मैच खेले हैं तो आप चाहते हैं कि खेलते रहो यार, अच्छा चल रहा है खेलो। तो सिराज और उमरान में से कोई एक ही खेल सकता था तो वो एक ही खेले। अभी हर्षल पटेल कब खेलेंगे, क्यों नहीं खेल रहे, ये एक और अपने आप में मिस्ट्री है, क्योंकि वर्ल्ड कप का हिस्सा वो थे और उनसे पहले खेल सिराज रहे हैं। सो ये एक सवाल शायद टीम मैनेजमेंट को सेलेक्टर्स के साथ बैठ के कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैच एक भी नहीं खिलाया हर्षल पटेल को पिछले 8 हफ्तों में, तो ये एक बड़ा सवाल है। पर एक और चीज समझ में आई कि 8वें नंबर पे जो गेंदबाज होता है उसकी बैटिंग का फर्क नहीं पड़ता, तो आप उस बॉलर को खिलाइए जो विकेट्स ले सकता है। तो वो एक यूजी चहल ने अच्छी बात की, और दीपक हुडा की भी शायद यही सीख मिली है हम लोगों को कि अगर आप बॉलिंग कराओगे तो शायद विकेट मिल भी जाए, अगर कराओगे नहीं तो फिर ये कहना कि कर नहीं पाएगा वो स्लाइटली अनफॉर्चुनेट है। तो बाकी तो 11 यही खेलने वाली है, क्योंकि 2 मैच बचते हैं जब एक श्रृंखला में, तो फिर चेंज कैसे करोगे, नहीं कर सकते, जो पहला मैच खेलता है वो दूसरा खेलता है, अनलेस किसी की गर्दन में स्ट्रेन हो। जी हार्दिक पांड्या ने कहा भी था चेंजेस के लिए कि ऑफकोर्स वो तो चाहते हैं अपॉर्चुनिटी देना जितने भी स्क्वाड में है, लेकिन क्योंकि अब 2 ही मैचेस रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। बट स्टिल अगर चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फैंटेसी टीम में चेंजेस कर लीजिएगा। अब हमारे कैप्टनसी में क्या चेंजेस होते हैं आकाश सर, कौन होंगे कैप्टन? एक्चुअली अब स्काई बन गया मेरा कैप्टनसी का एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में रखा था पिछली बार, पर यहाँ पे तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है सेफ चॉइस हो गया है। खेलता बड़ा रिस्की तरीके से है पर ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट, और खराब भी खेलता है तो बंदा 30 रन बनाता है ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तो। खराब खेल के 30 रन बनाना, हॉटस्पॉट्स में फील्डिंग करना, कैचेज इनके पास अमूमन आती है, पिछले मैच में नहीं आई पर आती हैं ज्यादातर, और पूरे वर्ल्ड कप में हमने ये देखा। तो सूर्य कुमार यादव सडनली बिकम्स योर कैप्टेंसी चॉइस, और दूसरा आपके पास विकल्प रहने वाला है, आप डेवन कॉनवे को भी रख सकते हैं क्योंकि एक मैच में कोई खराब तो हो नहीं जाता है। पर मैं बड़ा कीन रहूंगा कि न्यूजीलैंड का कोई बॉलर, चाहे वो टिम साउथी हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, पिछले मैच में मैंने एडम मिल मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में रखा था, मैंने उनको वाइस कप्तान बना दिया, उन्होंने मेरा मेरी नैया डुबा दी। पर आप फिर भी किसी बॉलर को रख सकते हैं जो सा आपको फास्ट बॉलर पसंद आए, खास तौर से अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। स्टिल चाहे वो 100 भी बना दे सूर्य दोबारा, फिर भी विकेट 7-8 तो गिरेंगे, और भारतीय बैटिंग की तो पक्का गिरेगी। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव जैसे बैटिंग कर रहे हैं, अब उनको कैप्टन नहीं बनाना रिस्क है, क्योंकि वो अपने खराब दिन पे भी आके 30 रन कर जाते हैं इजीली, और अब तो नंबर 3 पे भी आ रहे हैं, पहले नंबर 4 पे थे तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज था वो पोजीशन का। लास्ट मैच में नंबर 3 पे आए, और अगर आपने कैप्टन नहीं बनाया, वो क्यों ओपोनेंट के कैप्टन हुए, फिर से स्कोर कर गए तो खत्म, टाटा बाय बाय फिर से, तो बना दीजिए कैप्टन। लास्ट मैच में बात की थी इंडिया से 2 ही बैट्समैन है जिन्होंने इस साइड के अगेंस्ट अभी तक 50 भी की है इस फॉर्मेट में, पहले सूर्य कुमार यादव, दूसरे श्रेयस अय्यर। अब सूर्य कुमार यादव सेंचुरी भी मार चुके हैं तो ऑब्वियस चॉइस हैं। इसके अलावा डिवॉन कॉनवे जो कि लास्ट मैच में क्योंकि स्कोर इतना बड़ा हो चुका था, शायद वो उनकी फैंटेसी वैल्यू कम हो गई थी चेज करते हुए, लेकिन अभी भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है।
70 डिलीवरीज अब हो चुकी है स्क्वाड के अगेंस्ट। पहला डिसमिसल जो आया था लास्ट मैच में आया अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, अभी भी एक अच्छी चॉइस है। इस वेन्यू पे बात करें तो 3 इनिंग में 250 मार चुके हैं, 48 का एवरेज है और हर जगह रन करते हैं, कंसिस्टेंट है, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स तो है, लास्ट मैच में दिए नहीं थे, लेकिन अभी भी एक अच्छी और सेफ कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। तो दोनों ही मेरे भी कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, आपके क्या होंगे कमेंट? क्या हार्दिक पांड्या को अभी भी आप कैप्टन बनाओगे तो वो भी बता दो। अगर सर अभी भी वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस आपके लिए कौन सी रहेगी? टीम साउदी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लास्ट मैच में 20th ओवर डाला, हैट्रिक ले गए और अभी भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो। क्या उनके साथ जाएंगे या फिर कोई और बोले? या वो और लॉकी फर्ग्यूसन किसी में से एक, आई मीन ऑनेस्टली कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। और अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि यार मुझे पता है देखो इस बार सऊदी अच्छा करेंगे, तो बेवकूफ मैं खुद भी हूँ और दूसरों को बना भी रहा हूँ। आप तो चांस लेते हैं कि यार ये बंदा ये वाले ओवर्स डालने वाला है, इसके हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़े अच्छे हैं एंड बाकी आपकी गट फील है, तो वो हो सकता है लॉकी हो, वो हो सकता है टीम सऊदी हो, आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 3 विकेट सऊदी ने लिए थे तो 2 तो लॉकी ने फिर भी लिए थे, और लॉकी फिर आपको विकेट के अमंग्स द विकेट्स दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके के वो सवाल पूछते हैं, आई मीन ही इज स्टिल अ विकेट टेकर, तो और एंड में भी डालते हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन विल स्टिल बी माय वन ऑफ माय चॉइसेस। अब देखता हूँ टीम बनाते हुए मन किसकी बात कह रहा है, टिमटिमाना है या फिर लॉकी की तरफ चलना है। सर बेवकूफ बनाने से मुझे याद आया, फिनल लास्ट मैच में हमने गिव अवे रखा था और उसमें हमने गेस किया था 46-35, 46 off 19 20 डिलीवरीज। अनुराग मुझे पता है आप एपिसोड देख रहे होंगे, आप भी हो यहाँ पे, तो किसी ने ट्वीट करके भी डाला था स्क्रीनशॉट की देखिए 0 रन स्कोर किए और हमारे जो प्रिडिक्शन किंग्स है उन्होंने ये स्कोर किया था, तो भाई पूरी तरह फेल हुई वो। सर इस मैच में क्या फिनल आपकी टीम में होंगे या प्लेयर टू अवॉइड होंगे? लास्ट मैच में जो हमने मिस कर दिया था वो था उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, उनकी काफी खराब है, हो सकता है शायद अर्शदीप सिंह इस मैच में खेले, हो सकता है रेस्ट भी दे दें, और लास्ट मैच में तो खैर इतना खेले भी नहीं कि हम बता पाए कि कन्विंसिंग लगे थे या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लगे, तो क्या आपकी टीम में अभी वो होंगे या नहीं? फिन एलन होंगे मेरी टीम में। और जहां तक अर्शदीप सिंह की बात है, देखिए अर्शदीप सिंह 2 मैच हो गए हैं, कोई विकेट नहीं लिया बाय द वे, ना वो इंग्लैंड वाला मैच था ना वो पिछला मैच है। नई गेंद से आप उनको एक ही ओवर करते देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर उनको 2 ओवर दे नहीं रहा है कोई। तो मान लिया कि अंदर आने वाली शायद वो लेफ्ट आर्मर पे दिक्कत होती है, पर ऐसा भी नहीं कि वॉकिंग विकेट है। और अब चूंकि है ही नहीं, केन विलियमसन भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, मैं तो मेरी टीम में तो होंगे, मैं अभी भी फिन एलन के साथ जाऊंगा। फिन एलन को भी रखूंगा, ग्लेन फिलिप्स को भी रखूंगा, डेवन कॉनवे को भी रखूंगा, ये 3 ही मेरे एक्चुअली बैटर्स हैं, जो न्यूजीलैंड के 3 बैटर्स मेरी तरफ रहेंगे। और अभी भी मुझे लगता है मैं 6-5 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड ही रखने वाला हूँ, इवन दो पिछला मैच भारत जीता था। मुझे भी लगता है अभी भी आइडियल कॉम्बिनेशन 6-5 न्यूजीलैंड, तो अभी भी मुझे लग रहा है भले ही वो इंडिया बहुत ही कन्विंसिंगली वो मैच जीती हो बट वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिली है और न्यूजीलैंड इन कंडीशंस में अभी भी इससे तो बेटर टीम है, हालांकि चेंजेस हो सकता है शायद वो भी करें। ब्लेयर टिकनर को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, माइकल ब्रेसवेल है क्योंकि अब लेफ्ट हैंडर्स भी हैं स्टार्टिंग में ही, तो हो सकता है शायद उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फैंटेसी टीम में चेंजेस कर लीजिएगा। सर वो जो बहुत लंबी लिस्ट है वो बहुत बड़ी, जो प्लेयर हमारे इस फैंटेसी 11 से भी जो लंबी लिस्ट होती है आपके पास प्लेयर टू वर्ल्ड की वो बता दीजिए। एक्चुअली बराबर होती है देखो, क्योंकि 11 बाहर बिठाने होते हैं, 11 खिलाने होते हैं। तो अब जो बाहर बिठाने वालों में भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे, बाहर बैठने वाली टीम का। वॉशिंगटन सुंदर मेरी बाहर बैठने वाली टीम का हिस्सा रहेंगे। मुझे लग रहा है अभी भी दीपक हुडा शायद बाहर बैठने वाली टीम का हिस्सा रहेंगे। 3 हो गए। उसके बाद उनकी सामने वाली टीम में जिमी नीशम मेरे ख्याल से परमानेंट मेंबर है वो, तो वो बाहर रहने वाली टीम का, बैठने वाली टीम का मेंबर रहेंगे। और ब्रेसवेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, डैरल मिचेल को अभी भी शायद मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अल्टीमेटली कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। हो सकता है इस मैच में शायद मैं मिचेल सैंटनर को शायद छोड़ दूं, ये दैट्स दैट्स अ गुड वन, कि अगर छोड़ने का मेरा मन किया, सारी बाउंड्री छोटी है इस मैदान की, तो शायद मैं उनको छोड़ दूं। और हो सकता है मैं तो ईश सोडी को भी छोड़ दूं, हालांकि ईश सोडी ने एक विकेट लिया, अच्छे फॉर्म में भी नजर आ रहे थे, पर फास्ट बोलर्स की तरफ शायद इस मैदान पे तो मैं जाने वाला हूँ। बाकी स्पिन के नंबर आप बता देना ठीक है कि नहीं है। सर ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, जब हमने पहले बात की थी वेलिंगटन में कि वेलिंगटन में मैच होता तो शायद हमारे लिए वो मस्ट हैव होते, बट अभी कुछ खास बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है। टोटली आप अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग, गट के अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं आपको पिक करना है नहीं।
इंडिया जो लास्ट टाइम खेली थी, अभी तक ऑफकोर्स T20 कोई मैच नहीं खेली है इस वेन्यू पे। 2002 में एक प्रैक्टिस मैच था अगेंस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोई मतलब है नहीं बात करने का, लेकिन ओडीआई खेली थी 2019 में, वो इंडिया ने जीता था चेस करते हुए। 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग में लिए थे कुलदीप यादव ने, और 2 विकेट्स लिए थे चहल ने उस मैच में, शिखर धवन ने चेस किया था। और ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे ओडीआईज में इंडिया का, तो 7 मैचेस में 3 बार वो जीते हैं, 4 हारे हैं यहाँ पर। और थोड़ी वैल्यू है विद द स्पिन अगर इंडियन स्पिनर्स की बात करें, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स हैं, बाकी फिंगर स्पिन को अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी तक नहीं देखने को मिली है। अगर सर टीम बना ले, चलो बना लेते हैं, रुको, टीम बनाई ली जाए, आज देखी जाएगी। चलो जी, बनाया जाए टीम। हाँ जी, चलो बनाते हैं, लेट्स गो। सर कौन में जी ऋषभ पंत आपने ऑब्वियसली बोला था कि आप नहीं पिक करने वाले हैं, मैंने पिक कर लिया और बिल्कुल आउट ऑफ टच लगे थे, और एक बट बाउंड्री मारी थी उसके अलावा। आज करूंगा, आज करूंगा, आज करूंगा। पिछले मैच में नहीं हुआ, हुआ छोड़ देते हैं। इस मैच में मैं पिक करने वाला हूँ ईशान किशन, ऋषभ पंत, दोनों ओपनर्स को पिक कर रहा हूँ एक्चुअली। दोनों ओपनर्स को पिक कर रहा हूँ, साथ में डेवन कॉनवे भी। तो तीनों मैंने कीपर जो रखनी है इसके अंदर। अब तो फिन एलन वहां पे लिस्ट ही नहीं हो रहे ना, अब तो चेंज हो गया लिस्टिंग उनकी। क्या, कहाँ है फिन एलन? सर फिन एलन वही है। विकेट अरे कीपर में ही है, बिल्कुल ईशान किशन बैटिंग में। यार, सॉरी, ईशान किशन उधर चले गए, तो फिन एलन इधर रख लो, ईशान किशन को बैटिंग में रख लो। ठीक अच्छे, सर सूर्य कुमार यादव स्ट्रेट चॉइस, विलियमसन की जगह अब आप श्रेयस अय्यर लेंगे या फिर फिलिप लेंगे? देखिए एक सेकेंड, फिलिप्स और ईशान किशन। अब एक जो लेना है ना, सूर्य कुमार यादव नहीं, मैंने ग्लेन फिलिप्स ले लिया यार, मैं नहीं ले रहा श्रेयस अय्यर को। सर श्रेयस अय्यर वैसे 4 पे आ रहे हैं, और नंबर्स अगर स्पिन के अगेंस्ट देखेंगे लेग स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब मारने तो बहुत जाते हैं, आउट भी बहुत बार होते हैं। सोडी को भी पहली बॉल से आकर उन्होंने अटैक किया था, लेकिन फिर से वो शॉर्ट बॉल वाला वो वीकनेस आपको देखने को मिली। ऑलरेडी शॉर्ट बॉल के लिए रेडी थे और फिर हिट विकेट हो गए, जबकि वो बॉल शॉर्ट थी भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेट थे। क्योंकि अब नंबर 4 पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि फैंटेसी वैल्यू कम हो गई उनकी और छोड़ सकते हैं उन्हें? उस उनमें और ऋषभ पंत में किसी एक को जो पिक करना आप कर लीजिए, देख लो, मतलब जो ठीक लगता है। क्योंकि सी ऋषभ ओपन करते हैं, पर अगेन जिस तरीके की फॉर्म है, श्रेयस 4 पे खेलते हैं, पर अगर ऋषभ ओपन कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो रन नहीं बनाने वाले, तो 4 नंबर की वैल्यू बराबर ही है ना, बैटिंग तो आ ही जाएगी। तो फिर इतनी इतनी खराब वो नहीं है। जस्ट अ पिक कि आपको किसकी तरफ जाना है। श्रेयस अय्यर का मुझे एक और चीज जो पिछले मैच में लगी वो ये कि डिसाइड करके आए थे पहली बॉल पे छक्का मारना ही मारना है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेना। तो रुकने का नाम ही नहीं लेना, तो फिर देर इज अ गुड चांस कि आप फिर स्पिन पे भी आउट हो जाओगे। ऐसा नहीं कि स्पिन आपको आउट नहीं कर सकती, तो वो एक चीज रहेगी। और इनके खिलाफ तो फास्ट बॉलिंग वैसे भी होने वाली है। तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दोनों में से कोई एक चॉइस है रख लो, दोनों मत रखना इस वोलेटाइल में। शायद मैं दोनों नहीं रखूंगा, दोनों में से एक रखूंगा। या ऋषभ पंत वैसे वे तो बैट फेल हुए थे, लेकिन बाद में एक स्टंपिंग भी कर दी थी, एक कैच भी मिल गया था, तो थोड़ी वैल्यू वहां से है। विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो ले सकते हो आप। ऑनर सेक्शन में सर हार्दिक अभी भी आपकी टीम में होंगे? रखना पड़ेगा, पता नहीं बोलिंग कर ले तो। आई जी हाँ, मीन चांस है। ये सब हमें डराने के लिए रखा है इन्होंने, या तो पहले पहले बता दो कि ये होने वाला है भाई, हम बोलिंग करेंगे नहीं करेंगे। अब अगर कोई बताएगा नहीं तो फिर कैसे। अगर बोलिंग नहीं कर रहा वैसे बाय द वे, तो फिर एक्चुअली टेम्पटिंग है कि आप दीपक हुडा को रख लो इनकी जगह, अगर अगर बोलिंग नहीं कर रहे तो। क्योंकि फिर ये बात तो पक्की है कि दीपक हुडा को ओवर तो मिलेंगे। तो अगर उनको दीपक हुडा को ओवर भी मिलने हैं, बैटिंग भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ट्राई कर रहे हैं, दीपक को ही भेज दिया, चलो तुम भी खेल लो, तो आजकल कुछ भी हो सकता है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो अगर पता चल जाए बॉलिंग नहीं कर रहे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, कप्तान है। बहुत सारे अगर और मगर हैं, तो वो आप आई एक नो, बार जब टॉस हो तो टॉस तक भी आप वेट कर लीजिए। क्या पता हार्दिक पांड्या बोल दे कि आज हाँ मैं फिट हूँ बॉलिंग कर लूंगा, तब तक वेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड कर लीजिए। सर और बॉलिंग वैसे जो सेक्शन असली में असली 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 अगर जो है उसको अब देखना, अगले मैच पिक करना है नहीं करना, उसके हम अलग से पिक करेंगे। एस्टन है उनका नाम। हाँ चलो, बैड जोक, आगे चलते। सर हाँ, बॉलिंग में टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अर्शदीप अभी भी मेरी टीम का हिस्सा है, चाहे विकेट वो ले नहीं रहे हैं पर फिर भी मेरी टीम का हिस्सा है। अब एक मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ कि इस बार फिर एडम मिलन को लूँ या फिर यूजी चहल को लूँ। तो ये एक थोड़ा सा मेरा एक द्वंद है मेरे जहन में, क्या किया जाए। तुम बताओ क्या करें। सर अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो मिल और चहल दोनों ले लीजिए, अच्छा, और ओके, अर्शदीप अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो सिर्फ चहल ले लीजिए। को छोड़ दूं? नहीं अर्शदीप तो है ही, मतलब अच्छा, तो बॉलिंग बट फर्स्ट है अब तो अर्शदीप। एक 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 ही जगह बचे, तो तू लॉकी को कर रहा है कि लॉकी छोड़ दूं?
सर इसको मैं छोड़ो अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर न्यूजीलैंड पहले बोलिंग कर रही है तो हम 5 बॉलर ले सकते हैं, साउदी, अर्शदीप, नहीं अर्शदीप को फिर चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं। हमने लास्ट मैच में बात की थी कि उनकी जगह हम एक रिस्पिनर ले सकते हैं, चहल को प्रेफर किया था हमने ओवर अर्शदीप सिंह, तो वो 2 विकेट भी ले गए, तो बॉलिंग सेकंड में चहल को ले सकते हैं हम ओवर अर्शदीप सिंह। ठीक है। तो अभी एक्चुअली तो फिर एक कीपर एक कहीं से ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर तीनों कीपर नहीं रख पाएंगे, ये बात हो गई है ना। फिर ऋषभ सर पंत फिलहाल ड्रॉप कर तो देगा। इंडिया ने भी सैमसन को ड्रॉप किया हुआ है, पता नहीं क्यों, बट जब उन्हें ड्रॉप किया हुआ है तो 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, कॉनवे, पंत और एलन। 2 हम ले चुके हैं, एलन की जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्या आप अभी भी लेंगे उन्हें? मैं तो एलन को रख रहा हूँ टीम में, मैंने सोच के रखा है एलन या तो मुझे डुबाएगा या एक दिन इतना जिताएगा कि सब पागल हो जाएंगे। तो एलन अपनी टीम का हिस्सा रहने वाला है। ठीक है सर, तो हम ऑलरेडी 10 प्लेट दे चुके हैं और 11वें के भी ऑप्शन दे चुके हैं, तो बाकी की टीम हमारी जो ऑडियंस है, जनता है, बहुत ही समझदार है, वो बना लेगी। पीयू स्पोर्ट्स स्काउट फॉलो करती है, आपको तो नंबर भी याद होंगे कब लेने कब नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना ही सर, गिव अवे क्वेश्चन हमारा जो था लास्ट टाइम बहुत बुरी तरह फेल हुए थे हम, तो इस बार क्या कोई रखना है, नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। स्काई कितने रन बनाएगा? स्काई कितने रन बनाएंगे? सर आपकी शुरुआत करते हैं। स्काई एक्चुअली स्काई बनाएगा 43। 43 सर के, तो 37 मेरे, मैं उम्मीद तो करूंगा ठीक है। मैं कि अगर कैप्टन बना रहा हूँ उससे ज्यादा बनाए, बट गैस करना है क्या जानते अब हैं। तो सबका कप्तान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 0 पे भी आउट हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सबका कप्तान बिल्कुल, सबके कैप्टन बनने वाले हैं, और आप क्या होंगे नहीं वो भी बता दो, और स्काई आपको क्या लगता है कितने रन करने वाले हैं, और लास्ट जो कि वही के विनर्स हैं वो हमारी टीम यहाँ पे ऐड कर देगी। तो अगर आप यहाँ पे लिस्टेड हैं, आपका नाम आ चुका है, तो मुबारक हो, जर्सी आपको मिल जाएगी, और उसके लिए आपको डीएम करना होगा ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम, जाके कर दो डीएम और हम भेज देंगे जल्दी से आपको। थैंक यू सो मच आकाश सर समय देने के लिए, टीम बनाने के लिए, बहुत समय लिया हमने आज आपका, और आपका भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और बाकी सीरीज के भी प्रिव्यू लाइंड अप है, ऑलरेडी सब प्लानिंग कर चुके हैं हम, आगे जो श्रीलंका सीरीज होगी उसके भी प्रीव्यू मिलेंगे, ओडीआई सीरीज होगी उसके भी मिलेंगे, तो आते रहिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।